अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकर टिप्स चैनल। कुकर टिप्स चैनल को बनाने का मेरा मकसद है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना, और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन चलेंगी साथ। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया। और कुकर टिप्स KUKA कुकर टिप्स के नाम से है मेरा, TIP टिप्स के नाम से। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये मेरा नीचे नंबर है स्क्रीन के ऊपर, अगर व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर पे कोई चीज़ का रेट आपने पूछना हो या कोई चीज़ परचेज करनी हो, आप बिला झिझक इस पे आप टिप्स ले सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो TCL की LED है, ये 32 इंच से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जो चैनल, ये जो सॉरी 32 इंच के अंदर हमारे TCL के जो LEDs है, इसमें 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच। और ये मॉडल है 32S5400 और 40S5400 और 43S5400। इसमें तीन कॉन्टैक्ट्स होंगे जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं। लेटेस्ट वर्जन है 2023 का मॉडल है, 2023 का मॉडल है ये लेटेस्ट। अब थोड़ा सा इन्होंने इसमें चेंजिंग क्या दी है, बाकी मैं थोड़ी पहले इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी कि इसमें क्या चेंजिंग हुई है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको गूगल TV कर दिया इन्होंने। ये सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, ये गूगल TV है, गूगल TV कर दिए सबसे ऊपर देख रहे होंगे आप, ये गूगल TV है। और इसका फुल HD कर दिया, इसको इन्होंने फुल HD कर दिया। पहले जो यूनिट थे इसके वो HD रेडी के ऊपर थे, अब ये फुल HD पे आ गया। और गूगल असिस्टेंट अवेलेबल है इसमें, HDR10 कर दिया इसका, ये देखें HDR10 कर दिया इसमें इन्होंने। और उसके अलावा इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और 7000 मोर आप वीडियो सीरीज दे सकते हैं इसमें आप। और उसके अलावा फिर आप नीचे जब आते हैं तो ये मेमोरी की हम बात करते हैं, तो मेमोरी इसकी 1.5 रैम कर दी इन्होंने और 16 GB रोम कर दी इन्होंने। और इसके अलावा HDMI दो ऑप्शन है, ब्लूटूथ 5.0 का है और USB 2.0 का है, एक USB है। और HDMI की दो ऑप्शन है और ऑडियो वीडियो की एक ऑप्शन है इसमें, और डॉल्बी ऑडियो है इसमें। और इसके अलावा इसमें इन्होंने जो प्लस पॉइंट दिया है वो ब्लूटूथ दिया है इन्होंने। चाहे आप हेडफोन को अटैच करना चाहते हैं तो हेडफोन अटैच कर लोगे अपना, और ब्लूटूथ के थ्रू भी अपना हेडफोन अटैच कर सकते हो आप। और इसमें इनका 64-bit प्रोसेसर है इसका। और इसके अलावा इसकी जो रेजोल्यूशन जो बनती है वो 1920x1080। और उसके अलावा इसका रिफ्रेश रेट जो है 60Hz का है। तो थोड़ा सा इसके अलावा हम अगर देखते हैं, अब सिस्टम के ऊपर जाते हैं। सिस्टम में आपको नेटफ्लिक्स और चैनल, TCL चैनल, ये TCL के अपने चैनल हैं जो कि इसमें स्पोर्ट्स भी हैं, ड्रामा भी है, मूवीज भी हैं। और YouTube किट भी दे सकते हो इसमें, आप डाउनलोड ले सकते हो। इसमें प्राइम वीडियोज है और ब्राउजिंग के लिए है। ये आपका ब्लूटूथ की ऑप्शन आ जाती है इसमें। और ये TCL होम है, ये भी TCL के ही अपने चैनल्स हैं। और इसके अलावा कुछ कस्टमर्स ये थोड़े परेशान हो जाते हैं कि जी कि हमने USB लगाई और USB प्ले नहीं हो रही, तो USB के लिए ये मीडिया प्लेयर के नाम से आपके फ्रंट पे पड़ा होता है। अगर यहाँ से शो हो जाए तो वेल गुड, अगर ना हो तो ये मीडिया प्लेयर से अपनी MP3, JPG फाइल्स और अपनी वीडियोस यहाँ से आके देख सकते हैं आप। आए थोड़ी सेटिंग की तरफ चलते हैं। इसकी सेटिंग अगर हम बात करें तो ये सेटिंग ऑप्शन है इसकी, सेटिंग ऑप्शन एक्टिव करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो हमारा होता है वो ये गूगल TV के बारे में पूछता है आपसे। गूगल TV में आपने जीमेल एड्रेस देंगे तो ये इसकी टर्म एंड कंडीशन को सारा लेकर तो फिर हम आगे चलते हैं। और उसके अलावा फिर अगर हम सेटिंग में हम जाएंगे तो सेटिंग में सबसे पहले चैनल्स आ जाता है। चैनल्स के ऊपर जो है चैनल स्कैन, जो नॉर्मली इंटरनेट अगर आप जिन्हें भी यूज कर रहे हैं तो चैनल स्कैन के लिए बड़ा इजी वेज रखा हुआ है इन्होंने। यहां से आगे कंट्री आपने चेंज करना है, कंट्री के बाद इसको ऑटोमेटिकली स्कैन करा लेंगे आप। सिंपल स्कैन कराएंगे, दो ऑप्शंस आपसे मांगेगा ये, एक एंटीना का मांगेगा और एक आपको डिजिटल मांगेगा। अगर डिजिटल सोर्स आपके पास है तो फिर आप डिजिटल सोर्स पे जाएंगे, अगर डिजिटल सोर्स नहीं है तो खाली एंटीना का ये मतलब नहीं है कि वो घर के ऊपर जो एंटीना लगा होता है, ये जो केबल्स होती है केबल्स को एंटीना शो ऑफ कर रहा है। तो यहां से आके आपने सिर्फ केबल को ट्यून करवा लेना, ऑटोमेटिकली सारे चैनल आपके स्कैन कर लेगा ये।
अच्छा, उसके बाद आपने अगर मैन्युअली स्कैन कराना चाह रहे हैं, मैन्युअली का ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि कुछ चैनल जो आपने स्किप करवाने हैं कि आप नहीं देखना चाह रहे हो, तो वो चैनल मैन्युअली में स्किप करवाते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप। तो जैसे न्यूज़ है, अगर नहीं देख रहे हो न्यूज़ या ड्रामा स्किप करवा रहे हो, स्पोर्ट्स स्किप करवा रहे हो, वो सारे मैन्युअली तौर पर स्किप करवा सकते हो। चैनल ऑर्गेनाइज बड़ा ईजी है। ये चैनल ऑर्गेनाइज जो है बेसिकली आपका ये होता है कि स्पोर्ट्स को अलहदा कर लेंगे आप, और ड्रामा को अलहदा कर लेंगे, न्यूज़ को अलहदा कर लेंगे। थोड़ा सा ये वर्किंग हार्ड है, लेकिन बेटा अगर कर लेंगे तो इसमें कोई इतनी कबाहत वाली बात नहीं होगी आपको। बस ये चैनल लिस्ट की है। और इसके बाद ये टेलीटेक्स्ट जो है ना, ये टेलीटेक्स्ट बेसिकली जो आपके है ना स्टॉक चेंज वाले, ये बेसिकली उनके लिए बड़ी करामत चीज़ है। नॉर्मली कस्टमर्स का इसका कोई फायदा नहीं है। और इसके अलावा ये इनपुट से मैं बता रहा था आपको, HDMI की दो ऑफर आपको दे रहा है यहाँ पर, और ऑडियो वीडियो की एक ऑफर दे रहा है। और उसके अलावा अगर आप ये HD में होता है हाई डेफिनेशन मल्टी इंटरफेस लीड, ये अब लेटेस्ट लीड चल रही है। अब ऑडियो वीडियो तो कम यूज होती है, ज्यादातर आपकी ये लीड चल रही होती है दोनों। ये दो ऑप्शंस की दे रहा है आपको लीड की। उसके अलावा अगर आप जो जाओगे डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले पे आपका पिक्चर सेटिंग होती है और ऑडियो सेटिंग अपने हिसाब से, अगर आप जहां कंफर्टेबल फील करते हैं ये पिक्चर को और ऑडियो को, वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। उसके अलावा ये नेटवर्क है, नेटवर्क अगर अटैच करना आपने वाईफाई लेना है या लैन लेना है, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपको मिलता है। वाईफाई से अटैच कर लो चाहे आप लैन से अटैच कर लो। उसके बाद ये गूगल साइन है, अगर आप गूगल को साइन करना चाहते हैं, साइन जीमेल एड्रेस देंगे तो फिर उस हिसाब से आपका ये वॉइस कंट्रोल भी एक्टिव होगा। अगर जीमेल एड्रेस नहीं दोगे तो वॉइस एक्टिव नहीं होगा। और ये बाकी आप जैसे एंड्रॉयड में आप देख रहे हैं प्राइवेसी है आपकी, अपनी लोकेशन एक्टिव करते हो तो करो, कुछ जबरदस्ती नहीं है। अगर आप ये एप्लीकेशंस, अच्छा ये जो एप्लीकेशंस है आपकी, ये जो जितने आपने डाउनलोड किए होते हैं ये सारी एप्लीकेशंस बता देता है आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा फिर आप नीचे आओगे, ये सिस्टम है कि सिस्टम चेक करते हैं आपके, यार मेरा सिस्टम कौन से वर्जन का है। एंड्रॉयड वर्जन इसमें 11 लेटेस्ट वर्जन दे रहा है आपको, ये लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का दे रहा है। बाकी एंड्रॉयड की स्पेसिफिकेशन है कोई इतने। और ये टाइम एंड डेट्स अगर आप चेंज करना चाहते करें, क्योंकि हमारे टाइम डेट्स के साथ चलना चाहिए। लैंग्वेज है ये, और लैंग्वेज के बाद ये कीबोर्ड आ जाएगा। ये स्टोरेज है आपकी, स्टोरेज ये देख रहे होंगे आपके 10 GB आपके पास अवेलेबल है। 10 GB का मतलब ये है कि आपके जो इस टाइम 16 तो मैंने आपको काफी कहा था, आपने 16 बताया था, यहाँ 10 GB है, ऐसा नहीं है। जो 16 जो ऑप्शंस में दे रहा है वो ऑलरेडी ये एप्स उसने कवर किए हुए हैं, 6 की ये 6 की एप्लीकेशंस उसने कवर की हुई है। और 10 GB आपको फ्री दे रहा है इस टाइम, 10 GB में कोई चीज भी डाउनलोड ले सकते हो। उसके बाद ये एनर्जी है, ये वाला जो 75 वॉट्स में चलता है आपका। अगर इफ यू वांट कि आप इसको वॉट्स कम करना चाहें तो ये मजीद ऑप्शंस वो देता है आपको यहाँ पर अपने काम करने का। और सिस्टम जो है इसका, ये साउंड का है, ये साउंड लो लेवल हाई लेवल्स के ऊपर करना होता अपने पैटर्न की, यू कैन नॉट नीड दैट पैटर्न। और इसके अलावा ये स्पोर्ट्स मोड पे जाएंगे, अगर स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो ये फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच देखते हो आप तो इसको एक्टिव कर लेते हैं स्पोर्ट मोड में। ये लाइट को और कलर्स को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। हाँ, शुरू में मैंने बताना मुझे याद नहीं रहा, इसमें ये देखिएगा गेम मोड की ऑप्शन इन्होंने दे दी है। पहले गेम मोड की ऑप्शन नहीं हुआ करती थी, ये अब गेम मोड, गेमिंग अगर करते हो तो आप FHD की गेम बड़ी अच्छी कंपेटेबल होगी इसके साथ। और उसके अलावा ये एडवांस सेटिंग में भी आपका ये LED को स्पेसिफिकेशन है उसको नॉर्मल और हाई करने के लिए। हाँ, अगर आप फील करते हो कि अगर कोई चीज़ डाउनलोड की है और आपका सिस्टम स्लो हो रहा है तो उसके लिए ये रीसेट आपने सिंपल यहाँ से कर लेना आगे, ताकि सिस्टम रीसेट हो जाए आपका। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा मोर देन 50 चैनल्स, 7000 इसको मूवीज आपको मिल रही हैं। इसके अलावा ये चैनल्स आप सारे इसमें डाउनलोड ले सकते हो। डिज्नी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया उन्होंने। और उसके अलावा डिज्नी के अलावा यूट्यूब किड भी आप ले सकते हो इसमें बच्चों के लिए। और ये इनपुट्स का आ गया, ये टीवीज का आ गया। ये टीवी अगर देखना चाह रहे हो सिंपल दैट आप प्रेस करेंगे टीवी पे आ जाएंगे। और इसकी जो कलर प्रमोशंस मैंने आपको वहां से बता दिया। और मेरा ख्याल में इसके अलावा और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से टिप्स ले सकते हैं। कुकर टिप्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे जो इसका 43 वाला मॉडल है, इंशाल्लाह 43 मॉडल्स भी इसको हम बाकी डिस्कशन वहाँ पर करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामुअलैकुम जी।